हेलो दोस्तों, तो आज हम आईटीआई कॉलेज में आए हैं और आईटीआई कॉलेज में हम एक यहाँ पे जॉब बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेड कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो थ्रेड कटिंग हमारे पास दो तरह की हमने इसमें करनी है, एक करनी है बीएसडब्ल्यू और एक करनी है मीट्रिक थ्रेड। तो दो हमारे पास पीस होंगे और वर्क पीस यहाँ पे जो है, एक वर्क पीस ये वाला है और इस पर करेंगे और एक वर्क पीस इस पर करेंगे। तो हमारे पास ये इसमें करेंगे वो होगा बीएसडब्ल्यू, ओके, और ये होगा हमारे पास मीट्रिक थ्रेड। और इसमें हम 55 डिग्री का एंगल रखेंगे और इसमें हम 60 डिग्री का एंगल रखने वाले हैं। तो इसमें आपको दिखाऊं तो डॉग कैरियर जो होता है हमारे पास, वो देखिए हमारे पास ये होता है डॉग कैरियर, ये देखिए इसने पकड़ा हुआ है। तो ये डॉग कैरियर यहाँ से देख सकते हैं, ये फोर्जा चक है, इसमें हमने इसको फिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें देखिए टूल हमने इसमें लगाना है, तो टूल इसके लिए हमारे पास 55 डिग्री का होगा और इसमें हमारे पास 60 डिग्री का होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि टूल हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की शार्पनेस बनाने के लिए, उसका एंगल बनाने के लिए यहाँ पे ग्राइंडर के ऊपर इसे ग्राइंड करेंगे और इसका एंगल तैयार करेंगे। ओके, 55 डिग्री जैसे मैंने कहा आपको बीएसडब्ल्यू, वो हमें तैयार करना है इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसका एंगल चेक करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास अलग अलग एंगल्स चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इवन आप स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हो कि ये टूल जो है वो वर्क पीस के साथ स्ट्रेट है या नहीं है। ओके, इस तरह से ये देखिए 55 डिग्री को चेक करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम इसको टूल को बिल्कुल जॉब के साथ लगा कर और इसको ज़ीरो सेट करेंगे, क्रॉस साइड को ज़ीरो सेट करेंगे। और उसके ज़ीरो का मतलब है उसके बाद इसको जितनी भी डेप्थ देनी है हमें, वो डेप्थ हम इसमें देंगे। अब हमारा जो कट है वो स्टार्टिंग कट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो चुकी है थ्रेड कटिंग की। अब याद रखें हमने देखिए डबल स्टार्ट बनाना है, तो पहले तो हमें सिंगल स्टार्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें डबल स्टार्ट। तो ये देखिए हम जो डेप्थ ऑफ कट की बात करते हैं, ये देखिए, तो डेप्थ ऑफ कट यहाँ से हम ले सकते हैं कितनी डेप्थ जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो थ्रेड जो है कटने स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वो खाली जाता है, और जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक लेते हैं तब वो कटिंग स्ट्रोक होता है। ओके, यहाँ देखिए डेप्थ ऑफ कट जो हमने आगे की ओर टूल को करना है, तो वो हम आगे की ओर करेंगे इस तरह से। और ये है देखिए, अब टूल मूव कर चुका आगे और ये कटिंग और ज़्यादा हो रही है आगे। अब सिंगल स्टार्ट थ्रेड को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस डॉग कैरियर को हम मूव करेंगे, ओके, और इसको मूव करेंगे पूरा फोर्जर चक को 90 डिग्री से हम मूव करेंगे। तो उसके बाद हम इसको डबल स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जो है वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड था, अब डबल स्टार्ट मतलब उसको 90 डिग्री पे जाने के बाद एक और अलग से थ्रेड स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इसको देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मूवमेंट देखिए, ताकि हम क्रॉस स्लाइड को हम कितनी डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं, ये देखिए ये जूम करके आपको पता लग जाएगा। तो ये और यहाँ पर हमने डबल स्टार्ट कर दिया। ओके, सेकंड जो थ्रेड है डबल स्टार्ट के लिए, तो वो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, तो ये हमने डबल स्टार्ट कर दिया है। और फाइनली फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे हम इसको फाइलिंग करेंगे, और फाइलिंग के बाद इसकी फिनिशिंग हो जाएगी और हमारा थ्रेड तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत इसका थ्रेड का कटिंग हुआ है। और थ्रेड्स के जब हम देखते हैं ना डायमीटर क्या है, इसके एंगल्स क्या हैं, जब तक आप हाथ में इसको पकड़कर फील नहीं करेंगे ना थ्रेड्स को, तब तक आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आने वाली भाई। और इसके स्टार्ट देखिए ना, हम कहते हैं सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, ये कैसे देखें, तो इसको ले साइड साइड से देखते हैं इसको। ओके, अब ये देखिए साइड से, तो एक स्टार्ट यहाँ पर है और दूसरा स्टार्ट यहाँ पे, दूसरी साइड देखो। ओके, आराम से देखो इसको, वन स्टार्ट यहाँ पे और दूसरा स्टार्ट हम यहाँ पे देखिए, ये सामने दिख रहा है, तो दो जगह पे स्टार्ट है, इसलिए डबल स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।